Hello friends, I'm going to show you how to change your driving license address online. So ये हमारा government का website है parivahan.gov.in. ये website पे जाके आप apply online पे click करो, उसमें service on driving license है. Next page पे आपको ये काफी सारा services दिखेगा जिसके लिए आप application कर सकते हो online. आपको कंटिन्यू करना है. नेक्स्ट पेज में आपको आपका ड्राइविंग लाइसेंस डिटेल्स नंबर देना है, डेट ऑफ बर्थ देना है और यहाँ स्टेट अप्लाई फॉर स्टेट, ये आपका स्टेट देना है जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हो और आरटीओ जिस आरटीओ में आपका ड्राइविंग लाइसेंस है वो आरटीओ का आपको आपको प्रोसेस करना है और यहाँ आपको ओके करके नेक्स्ट पेज पे जाना है. नेक्स्ट पेज पे आपको आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस का डिटेल है वो पूरा डिटेल दिखेगा, आपका फोटो, आपका सिग्नेचर, ड्राइविंग लाइसेंस नंबर, डेट ऑफ बर्थ, एवरीथिंग यू विल शो. सो आपको फिर से नेक्स्ट पेज पे जाना है, वहाँ कंफर्म करके आप ये पेज पे आओगे जो सर्विस के लिए आपको एप्लीकेशन करना है वो सर्विस आपको सिलेक्ट करना है. अभी से आपको ड्राइविंग लाइसेंस का एड्रेस चेंज करना है तो सबसे पहले आपको NOC लगेगा. जो RTO में आपका लाइसेंस है अभी वो RTO से आपको NOC लगेगा और वो NOC आपको मिलने के बाद ही आप नया एड्रेस चेंज करने के लिए एप्लीकेशन कर सकते हो. तो सबसे पहले हम NOC के लिए एप्लीकेशन करेंगे. तो आपको एक क्लिक करके नेक्स्ट करना है और ये नेक्स्ट पेज पे ये सर्विस आया, आपने किसके लिए अप्लाई किया है, इश्यू ऑफ NOC. तो यहाँ आपको आपका स्टेट सिलेक्ट करना है, यहाँ RTO जिस RTO के लिए आपको NOC चाहिए वो RTO आपको सिलेक्ट करना है और यहाँ आपको रीज़न देना है, जो सूटेबल रीज़न है आपको सिलेक्ट करना है और ये कंफर्म करना है. कंफर्म होने के बाद यह डेटा एक्सेप्टेड सक्सेसफुली आएगा और ये एक्नॉलेजमेंट पे आपको क्लिक करना है. ये ध्यान से पढ़े और फिर ही क्लिक करें और इसे फिल करके ये सबमिट करोगे तो आप नेक्स्ट पेज पे जाओगे. नेक्स्ट पेज पे आने के बाद आपको एक्नॉलेजमेंट रिसीप्ट दिखेगा, बट आप उसको फिर से एक बार नेक्स्ट करोगे तो ये पेज आपको दिखेगा. ये पेज पे आपको जो सर्विस के लिए आपने एप्लीकेशन किया है वो दिखेगा और यहाँ आपको आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं. तो इसको सिलेक्ट करके प्रोसेस करना है और यहाँ आपको ओके देना है और यह ड्रॉप डाउन में ये जो डॉक्यूमेंट है उसको सिलेक्ट करके प्रूफ क्या है वो प्रूफ जो आपके पास है वो सिलेक्ट करके या जहाँ आपने फाइल रखा है वो फाइल आपको सिलेक्ट करनी है. तो ये मैंने मेरा फाइल सिलेक्ट किया और यह अपलोड करना है. ध्यान रखें ये फाइल जो है ये 3 फॉर्मेट में ही एक्सेप्ट होगा और उसका साइज 500 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. अपलोड होने के बाद आपको कंफर्म करना है और कंफर्म होने के बाद ये हो गया अपलोड. फिर वापस नेक्स्ट करना है या ये 2 हो गए कंप्लीटेड और ये पेमेंट आप यहाँ से भी पेमेंट कर सकते हो या RTO में जाके आप विंडो पे भी पेमेंट कर सकते हो. अगर आपका एप्लीकेशन प्रॉपर आपने फिल किया है तो यहाँ से आप पेमेंट करें और उसका प्रिंटआउट साथ में लेके जाए और उसके बाद और ये 2 और ये एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट और ये प्रिंट ये फॉर्म भी आपको साथ में लेके जाना है. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. ये आप सबमिट करने के बाद आपको RTO NOC देगा और वो NOC आपको जो RTO में आपको एड्रेस चेंज करना है वो नए RTO में जाके सबमिट करना है. वो सबमिट होने के बाद फिर से आप एड्रेस चेंज के लिए एप्लीकेशन कर सकते हो.
एड्रेस चेंज का वीडियो मैं जल्द ही बना के अपलोड करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करो। थैंक यू।